गाइस आप में से बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है इंडियन सोल्जर स्ट्रीम, जिसके ऊपर मैं गेम प्ले वीडियोज डालता हूँ, जो नई नई गेम्स आ रही हैं उनके वॉक थ्रूज डालता हूँ। अभी हालांकि थोड़ा सा इरेगुलर चल रहा है वो चैनल, लेकिन बहुत ही जल्दी मोस्ट प्रोबब्ली कल परसों से उसके ऊपर रेगुलरली कंटेंट आया करेगा। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन पे दिया हुआ है, प्लीज़ उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी के साथ शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ का ये एपिसोड नंबर 136। लेट्स गो। गाइस सबसे पहली न्यूज़ आ रही है एक्सबॉक्स वन यूजर्स के लिए। अगर आपके पास एक्सबॉक्स वन है और एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड मेंबरशिप है, तो जल्दी से अपनी एक्सबॉक्स वन को ऑन करो और उस पर ग्रैब कर लो गेयर्स ऑफ वॉर्स 4, जो कि अगस्त मंथ में अवेलेबल थी फ्री में, क्योंकि आज लास्ट डे है और आज के बाद आपको नहीं मिलेगी ये गेम। और ऊपर से इसका जो सीक्वल है गेयर्स ऑफ वॉर्स 5, जिसको नाम दिया गया गेयर्स 5, वो लॉन्च हो रही है इसी मंथ। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग गेयर्स ऑफ वॉर्स 4 को भी इन्जॉय कर लो, जो कि काफ़ी अच्छी गेम है। तो जल्दी से जाओ ऑन करो अपनी एक्सबॉक्स लाइव गोल्ड मेंबरशिप की और ऐड टू लाइब्रेरी एटलीस्ट कर लो, चाहे डाउनलोड बाद में कर लेना। दूसरी न्यूज़ आ रही है कंट्रोल गेम को लेकर, जो अभी अभी रिलीज हुई है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि एक तो बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गेम है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से कह रहे हैं। हालांकि मैंने गेम को ज्यादा अच्छे से खेला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को गेम बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उनमें से मैं एक हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 घंटे उसमें तो गेम का कुछ पल्ला ही नहीं पड़ रहा कि है क्या चीज गेम में। और दूसरी चीज ये इसी गेम से रिलेटेड कि अगर आप बेस कंसोल पे खेल रहे हो, यानी कि प्लेस्टेशन 4 फैट पे और एक्सबॉक्स 1 फैट पे खेल रहे हो, तो इस गेम में आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होंगे, क्योंकि जो बेस कंसोल्स हैं वो इस गेम को बहुत अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा बग्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लिचेस आ रहे हैं, और साथ ही में फ्रेम रेट्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। और कंट्रोल के जो डेवलपर्स हैं उनको ये बात पता है और उन्होंने एक पैच पे काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्दी आपको ये पैच देखने को मिल जाएगा और इसके थ्रू जो गेम की परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो जाएगी। थर्ड न्यूज़ आ रही है साइबरपंक 2077 फैंस के लिए और नया ट्रेलर आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके चेकआउट करो। काफ़ी लंबा ट्रेलर जिसमें आपको नया गेम प्ले फुटेज देखने को मिलता है, कियानो रीव से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कियानो रीव्स की भी फुटेज है उसके अंदर और नया गेम प्ले भी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गेम के अंदर बहुत ही हाई लेवल की कस्टमाइजेशन है। साइबरपंक 2077 रिलीज होने वाली है 2020 में फर्स्ट क्वार्टर में, और इस गेम को डेवलप कर रहे हैं सीडी प्रोजेक्ट रेड, जो कि एक तरह से क्रिटिकली एक्लेम डेवलपर स्टूडियो है जिसने विचर जैसी सीरीज बनाई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज है। और एक चीज़ जिसको लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या साइबरपंक 2077 में GTA की तरह कोई ऑनलाइन मोड होने वाला है, एट स्टार्ट नो, अभी सीडी प्रोजेक्ट रेड की कोई भी प्लान्स नहीं है इसके अंदर मल्टीप्लेयर ऐड करने के। बाद में हो सकता है वो कर दें इसकी सक्सेस को देखते हुए, अगर गेम सक्सेसफुल होती है, बट एट लॉन्च ये सिर्फ सिंगल प्लेयर मोड ही है। और गाइस लास्ट न्यूज से पहले जल्दी से बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। ये वीडियो स्पॉन्सर करिए 11wickets.com ने, जहां पे जाके आप अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स का यूज करके जीत सकते हो घर बैठे पैसे अपने मोबाइल फोन पे। जल्दी से चेकआउट करो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरा रेफरल कोड भी, साइन अप करने पे आपको 25 रुपीज मिलते हैं और एडिशनल 50 रुपीज मिलेंगे आपको अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे। अगर आपका अकाउंट बन जाता है सक्सेसफुली, अगर आप साइन अप कर लेते हो, उसके बाद अपने फ्रेंड को रेफर करोगे अपने रेफर कोड से, तो आपको 50 रुपीज और उसको भी 50 रुपीज एडिशनल मिलेंगे। उन पैसों को आप पेटीएम के थ्रू रिडीम भी करा सकते हो। तो जल्दी से चेकआउट करो 11wickets.com। और गाइस लास्ट न्यूज़ आ रही है प्लेस्टेशन यूजर्स के लिए, तो अभी जल्दी से जाओ प्लेस्टेशन 4 पे, अगर आपको कोई भी गेम परचेज करनी है तो उसका प्राइस एटलीस्ट चेक कर लो, क्योंकि अभी फ्लैश सेल चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी गेम्स जिस पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, लेटेस्ट गेम्स पे भी और पुरानी गेम्स पे भी। और अगर आपके पास PS Plus मेंबरशिप है तो आपको एडिशनली और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ चेकआउट अपनी प्लेस्टेशन 4 पे, या फिर प्लेस्टेशन की वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सी गेम्स के ऊपर कितने डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना नीचे कि अगर मैंने कोई मेजर न्यूज मिस कर दी हो जो आपको पता है और मुझे नहीं। वैसे तो मैंने मोस्टली जो मेजर न्यूज है सबको कवर अप कर ही दिया था। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है इंडियन सोल्जर स्ट्रीम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।